आप सभी का स्वागत है AISP एजुकेशन में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि माई गवर्नमेंट वेबसाइट क्या है, आप किस तरह से इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माई गवर्नमेंट भारत सरकार का एक पोर्टल है, जिसका शुभारंभ 26 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बटाने के माध्यम के रूप में कार्य करना। माई गवर्नमेंट नागरिकों को अनेक विषय पर चर्चा विचार विमर्श में भाग लेने का अवसर देता है तथा अनेक लोगों के साथ विचार के आदान प्रदान का मौका देता है। जो लोग विचार विमर्श से आगे बढ़कर जमीनी योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल अनेक अवसर भी देते हैं। तो जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो कि माई गवर्नमेंट वेबसाइट है, आपको इसके साथ जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के द्वारा एक ऐसी है जिसके द्वारा आप सरकार के साथ जुड़ने का आपको मौका मिलता है और आपको इसका यूज जरूर करना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस को लेकर माई गवर्नमेंट ऐप पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं, तो इसलिए आपको इस पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से जानकारियों को जान सकते हैं, पूरी जानकारी भी हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है माई गवर्नमेंट। आप जैसे सर्च करते हैं आप देख सकते हैं आपको सबसे ऊपर ही पहला लिंक दिख रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें COVID-19 को दिया गया है। COVID-19 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वे दिया गया है, शेयर यू आइडियाज माई गवर्नमेंट, MP माई गवर्नमेंट दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, COVID-19 सोल्यूशन दिए गए हैं, माई गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके आप सर्वे देख सकते हैं, आप अपनी आइडिया शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माई गवर्नमेंट क्यूज दिया गया है, जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्यूज आते रहते हैं, यहाँ पर डिस्कशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको माई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तब देख सकते हैं यहाँ पे माई गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं, डिस्कशन दिए गए हैं, सर्वे, ब्लॉग्स, आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मेम्बर अभी तक कितने हो चुके हैं, कमेंट कितने लोगों ने अभी तक किया है, वोट्स इन पोल्स हैं, सबमिशन इन टास्क है, आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया गया है आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक की का जो सिंबल दिख रहा है आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का दिखा रहा है, तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रजिस्टर योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से आपको नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, बाद आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्लीज इंटर OTP फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको OTP फिल करके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ईमेल कॉन्फर्मेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन माई गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा आ चुका है। आप यहाँ पे ईमेल मोबाइल नंबर डाल के या पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर आप ईमेल मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP भेजा जाएगा, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो आप जिससे भी चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन विथ OTP के साथ कर लेते हैं, तो जो कि OTP आपके फ़ोन पे आपको सेंड हो के आ जाता है। अब आप माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप रजिस्टर होने के बाद आप दोबारा से माई गवर्नमेंट ऐप को ओपन करके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये की वाले सिंबल पे क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है और लॉगिन विथ OTP कर देना है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, लॉगिन विथ OTP वाला जो आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका OTP आ जाएगा। OTP आएगा आपको इस तरह से फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं, आपका यहाँ पे नाम भी दिखाई देने लगेगा कि आपने किस नाम से यहाँ पे अपना लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको COVID-19 का दिख रहा है, यहाँ पे आप इसकी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, डिस्कशन दिख रहा है, पोल सर्विस दिख रहा है, ब्लॉग दिख रहा है, तो आप इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो आप
माई गवर्नमेंट पे किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में बताया गया। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो कि इससे रिलेटेड ही आएगा, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।